तो आप इस तरह से वीडियो को जनरेट करना चाहते हैं और शॉर्ट्स वीडियो को इस तरह से बनाना चाहते हैं जो आप अपने वीडियो को शॉर्ट्स वीडियो में कैप्शन बनाना चाहते हैं, तो मैं एकदम फ्री का ऐप बताने वाला हूं और उस ऐप से आप कितना भी जितना भी वीडियो चाहे उतना भी आप कैप्शन जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री का है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जीमो ऐप है, जीमो ऐप को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको जीमो कैप्शन एंड सब टाइटल लिखा है, तो आपको अगर जहाँ जीमो लिख कर सर्च करोगे तो वो ऐप आ जाएगा और इस ऐप को पहचान लो, इसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। अब बैक आने के बाद करना क्या होगा, इस ऐप का यूज कैसे करना है और हमें यहाँ से सब टाइटल को जनरेट कैसे करना है, तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। अब आप जैसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ऐप यहाँ पर खुल रहा है और खुलने के बाद भाई फ्री का ऐप है, इसमें ऐड बहुत आते हैं, ठीक ऐड बहुत आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कैप्शन लिखा है, यहाँ से ढेर सारा स्टाइल मिल जाता है। तो आप किस स्टाइल में कैप्शन को जनरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं इस ऐप को इस वाले इसको ट्राई इट नाउ यहाँ पर मैंने टाइप किया, यहाँ पर देख सकते हैं इस पर कैप्शन टेम्पलेट लिखा है। तो कैप्शन टेम्पलेट में मैं इस तरह से कैप्शन को जनरेट करना चाहता हूँ अपने वीडियो में, तो यहाँ पर लिखा है ट्राई इट नाउ। तो इस ट्राई इट नाउ पर करना क्या होगा, यहाँ से मैं अगर जहाँ क्लिक करूँगा तो आपके वीडियो गैलरी में आ जाएगा। अब गैलरी में जो भी वीडियो है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर जहाँ आप भी कैप्शन जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वॉच ऐड, सबसे पहले आपको वॉच ऐड चलाना पड़ेगा जो 30 सेकेंड का आता है, 30 सेकेंड के बाद ही आप इस ऐड को अपने वीडियो को सबमिट कर सकते हो। ठीक यहाँ से मैंने बैक आया, यहाँ से बैक आने के बाद देखिए मैं अब यहाँ से मैं ऐड चला देता हूँ, तो यहाँ पर ऐड चलकर रेडी हो गया, देखिए यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर सिंपली सा आप देख सकते हैं कि ये ऐड जो है वो चल गया। अब यहाँ से आपको स्किप कर देना है, तो सिंपली सा मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक रिकॉग्नाइज, ठीक रिकॉग्नाइज है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज पर उसी पर जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। अब वीडियो आपका अपलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपलोडिंग, जो आपका कैप्शन जनरेट करेगा वो वीडियो अपलोड हो रहा है और अपलोड होकर प्रोसेसिंग में चला गया है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए कोई भी हो कुछ भी हो या फिर आपके वीडियो हो या फिर कोई गाना हो तो वो जनरेट करके दे देगा आपको। यहाँ पर दिखाई देगा एक जनरेटिंग कैप्शन, यानी जो आपका वीडियो है उसमें कैप्शन लाने का जनरेट कर रहा है, वीडियो बना रहा है वो कैप्शन किस वर्ड में डाय। तो आपको इसे भी हिंदी में कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। ठीक तो यहाँ पर करने के लिए देखिए आपका ये जो बना है यहाँ पर आपका ये कैप्शन जनरेट करके दे दिए। तो मैं एक बार चला कर दिखा देता हूँ और इसका वॉइस म्यू ऑफ कर देता हूँ। ठीक आप वॉइस ऑफ करने के बाद यहाँ से देख सकते हो ये देखिए आपका, मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि ये सॉन्ग है और सॉन्ग पर मैंने अपना ये जनरेट किया है कैप्शन को। तो यहाँ पर गया देख लीजिए आपके सामने ये बन गया। ठीक ये देखिए जब बनने के बाद यहाँ पर देखिए सारा कैप्शन बनकर रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप अगर जहाँ वीडियो को सेव करना चाहते हैं उसके बाद फिर से यहाँ पर एक्सपोर्ट दिखेगा और एक्सपोर्ट के जगह पर आपको यहाँ पर 30 सेकेंड का फिर से आपको ऐड देखने को मिलेगा। तो भाई साहब यहाँ पर 30 सेकेंड का वा पेज के ऊपर यहाँ पर 30 सेकेंड का आपका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ऐड चलाते हैं क्योंकि ये फ्री का है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एक्सप्लोर करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा वॉच ऐड। अब जब तक ऐड आप चलाओगे नहीं तो तब तक आपका यहाँ पर वीडियो सेव नहीं कर सकते। तो सिंपली सा है यहाँ से मैं ऐड चला देता हूँ, तो यहाँ से मैं ऐड चला दिया। अब 30 सेकेंड का यहाँ पर देखिए फिर से आपका आ गया है, 30 सेकेंड का ऐड आ गया है, 30 सेकेंड के मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड आपका ख़त्म होने वाला है, 1 सेकंड हो गया है अब यहाँ पर ऐड ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ, स्किप करने के बाद यहाँ पर वीडियो दिया गया एक्सपोर्ट का आप देख सकते हैं। सिंपली सा एक्सपोर्ट पर आप जैसे ही टाइप करोगे वैसे ही आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, अब वीडियो आपका देख सकते हैं कि ये वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है बिना कोई रीजन के। तो सिंपली है कि आपका जो वीडियो है जब तक ऐड आप चलो आप वीडियो को जैसे इनपुट करोगे वैसे ही आपका ऐड चलेगा, आप वीडियो को जैसे एक्सपोर्ट करोगे वैसे भी आपका ऐड चलेगा। तो यहाँ पर वीडियो को इनपुट और एक्सपोर्ट करने के लिए आपका ऐड चलता है। तो सिंपली सा यहाँ पर मैं अपना ऐड चल गया है और यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद अब आपको वही मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे बना है कैप्शन जनरेट करके। तो यहाँ पर सिंपली मैं कनेक्शन पर आया और कनेक्शन पर आने के बाद यहाँ से मैं जीमो का टाइप किया और यहाँ पर देख सकते हो ये बनकर रेडी हो गया है।
तो यहाँ पर सिंपली सब बन गया है। और इस वीडियो को कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को एक लाइक कर दें।